with no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take. Hello everyone and welcome back to Dream Wheels India. आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वैगन आर 2022 फेसलिफ्ट। मारुति सुजुकी की जो सबसे पॉपुलर कार है, द मोस्ट लव्ड हैचबैक दैट वी सी ऑन इंडियन रोड्स इज द मारुति सुजुकी वैगन आर। ये वैगन आर का जो लेटेस्ट हमारा फेसलिफ्ट आया है, इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस की अगर बात करी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द फ्रंट प्रोफाइल। ये आप फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं, पहले जैसा ही हमारा बोनट है, वाइड हेडलैम्प्स हैं हमारे, सुजुकी की बैजिंग है, बीच में हमारा क्रोम का इंसर्ट है, उसके बाद कमिंग टू द बम्पर, बम्पर में भी हमारे पास नीचे की तरफ ये ब्लैक्ड आउट रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलती है। दिस इज़ द टॉप वेरिएंट वैगन आर का, जो हम वेरिएंट अभी कवर कर रहे हैं ये ZXi प्लस है। ये हेलोजन का येलो लाइट का सेटअप है हमारा, ये हमारी हाई बीम और लो बीम वाली हेडलाइट हो गई। नीचे की तरफ हमारे को हेलोजन जो है इसमें फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं, अगेन विथ येलो लाइट। This on the top model they could have improved, अगर वो चाहते तो इस चीज को इम्प्रूव कर सकते थे। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। वैगन आर की साइड प्रोफाइल में सबसे पहले मैं आपको जो एक बहुत ही अच्छा चेंज ये लेकर के आए हैं वो ये लाए हैं अलॉय व्हील्स, जो कि पहले के वैगन आर में नहीं आते थे, गन मेटल फिनिश अलॉय व्हील्स। एंड अगर प्रोफाइल की बात करें तो ये जो टायर है हमारा ये R14 165/70 ORVMs आ जाते हैं। ORVM में ही हमारे इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स इन्होंने दिए हुए हैं। डोर हैंडल की अगर हम बात करें तो पहले जैसा हमारा डोर हैंडल था, इट्स अ सिमिलर डोर हैंडल, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ग्रैब हैंडल इन्होंने नहीं दिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डोर, वेदर दे हैव इम्प्रूव्ड द बिल्ड क्वालिटी और नॉट। इफ यू कैन हियर द थर्ड साउंड, इट इज स्टिल कंपैरेटिवली अ लाइट वेट डोर। सो दिस इज हाउ द वैगन आर लुक्स फ्रॉम द साइड। Now let us move to the back profile of Wagoner. पहले के जैसे ही हमारे पास टेल लैम्प्स इन्होंने दे रखे हैं with turn indicators. ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ये हमारा रेयर वॉशर एंड वाइपर के संग इक्विप्ड है, इसमें हमारा रेयर डिफॉगर भी आता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है हमारी। अब इससे नीचे आ जाते हैं, हमारे पास सुजुकी की बैजिंग है बोथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। यू विल नॉट फाइंड एनी बैजिंग टू टेल यू कि ये हमारा बेस वेरियंट है या टॉप वेरियंट है। यहाँ पर क्रोम में हमारे को वैगन आर देखने को मिलता है और यहीं से हम इसकी बूट को ओपन कर सकते हैं। बूट ओपन करने से पहले लेट मी टेल यू, दिस कार कम्स विथ स्टैंडर्ड 2 पार्किंग सेंसर्स एट द बैक। रेयर पार्किंग सेंसर्स 2 दिए हुए हैं और ये आपके सारे ही वेरिएंट में आते हैं। नीचे की तरफ एक ब्लैक स्किड प्लेट देखने को मिलती है और दोनों ही साइड हमारे को रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। ओपनिंग द बूट स्पेस, नाउ दिस इज द टॉप मॉडल ऑफ वैगन आर, सो इट कम्स विथ अ पार्सल ट्रे। पार्सल ट्रे को हम हटा भी सकते हैं एज पर आर नीड। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इट्स अ क्वाइट कन्वीनियंट बूट स्पेस। बूट स्पेस जो है वो आपको 341 लीटर्स की बूट स्पेस दी गई है। ग्रोसरीज हुक की अगर बात करें या फिर बूट लैम्प की बात करें तो वो दोनों ही मिसिंग है यहाँ पर। एक बार इसका स्पेयर व्हील टायर चेक कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द स्पेयर व्हील टायर ऑफ वैगन आर। इसकी प्रोफाइल जो है वो हमारे को 165/170 R14 ही मिलती है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वैगन आर ने किसी भी तरीके की कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई। जहाँ पर स्पेयर व्हील की बात करी जाए, स्पेयर व्हील आपको सेम साइज़ का मिलता है, जिससे कि अगर आप कभी स्पेयर व्हील पर आपको चलाना भी पड़ गया तो लॉन्ग रूट पर आपको बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं वैगन आर के अंदर एंड लेट अस सी द सीट कम्फर्ट ऑफ वैगन आर। सबसे पहले बात करें रेयर पैसेंजर सीट की। डोर जो है वो बहुत ही वाइड एंगल डोर है हमारा, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। इंग्रेस एंड आउटग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने पा रही है, बहुत ही सिंपलिस्टिक सा सेटअप है। ये पूरा ब्लैक में आपको इनर डोर दिया है विद हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे आपका लॉक अनलॉक हो गया। एक आपकी ये पावर विंडो का सेटअप है, दिस इज द ग्रैब हैंडल फॉर द डोर। नीचे की तरफ आपको एक बॉटल स्पेस दी हुई है एंड थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस है। यहाँ पर आपकी स्पीकर की हाउसिंग आ गई। नाउ लेट मी सिट इनसाइड द कार and give you a view how it feels. Now I'm sitting inside the wagon R. I have to admit, despite being a small hatchback, it is very spacious inside. Andar jagah bahut acche se hai, new room jaise ki aap dekh pa rahe hain, sufficient new room hai. Aage ki seats already meri height pe adjusted hain, uske baad bhi leg room, knee room, under thigh support sahi hai, sufficient hai. Space bahut achi hai, haan under thigh support ki agar main baat karun तो ये थोड़ा बेटर हो सकता है।
अंडर थाई सपोर्ट में आपको थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आएगी लॉन्ग रूट्स में तो आएगी, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, इनफैक्ट तीन लोग भी बैठ सकते हैं वैगन आर में। इफ़ यू कैन सी द इंटीरियर, इट्स क्वाइट स्पेशियस, आपको बहुत खुला खुला फील होगा। नीचे के हम्प की अगर बात करें तो हम्प है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई हम्प नहीं है, छोटा ही है, आपको जो बीच में बैठा है बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं एंड सबसे पहले फ्रंट डोर को कवर करते हैं। अगेन अ वेरी वाइड एंगल, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं अंदर जाने में और बाहर आने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लास्टिक द सेम क्वालिटी, हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर जो है आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs दिए हुए हैं और उनके कंट्रोल हैं। ये ऑल फोर पावर विंडोज़ हैं, हमारा लॉक अनलॉक का बटन एंड पावर विंडोज़ के लॉक का बटन। नीचे अगेन वन बॉटल होल्डर, सम यूटिलिटी स्पेस एंड मैप पॉकेट, और यहाँ पर हमारे स्पीकर की हाउसिंग। इंटीरियर की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक पहले जैसी ही है वैगन आर, कुछ खास चेंजेस नहीं है। बट जो भी इंटीरियर की अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छी है, थोड़े से इम्प्रूव करी जा सकती है, स्पेशली द प्लास्टिक पार्ट्स, प्लास्टिक को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल द कैबिन लुक्स एयरी एंड अपीलिंग। स्टेयरिंग व्हील को अगर कवर करें तो ये पूरा सॉफ्ट मटीरियल है हमारा स्टेयरिंग व्हील का, कोई भी इसमें लेदर रैपिंग नहीं आती है, बट आप ऊपर से करा सकते हैं। पावर विंडोज में एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इट इज वन टच डाउन, ड्राइवर साइड का जो है वो वन टच डाउन है, वन टच अप नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेयरिंग व्हील जो है हमारा, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के, मोड्स को चेंज करने के। एज यू कैन सी दैट वी कैन कंट्रोल द वॉल्यूम फ्रॉम हियर। उसके अलावा यहाँ पर आपको टेलीफोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टू पिक अ कॉल, टू एंड अ कॉल एंड टू पुट इट ऑन म्यूट और स्पीकर, ऑल दीज फंक्शंस दे आर देयर इन द स्टेयरिंग व्हील। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को पूरे इसके वाइपर के फंक्शंस मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड पे हमारे को लाइट्स के फंक्शन मिल जाते हैं। ये हमारा है हेडलाइट लेवलर। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करी जाए तो ये जो वेरिएंट है दिस कम्स विथ डुअल एयरबैग्स, और इसके बेस वेरिएंट की अगर हम बात करें जो कि 1 लीटर का जो इंजन के संग आता है बेस मॉडल, उसमें सिर्फ एक ड्राइवर साइड एयरबैग दिया हुआ है। हियर वी हैव वन फॉर पैसेंजर साइड एंड वन फॉर ड्राइवर साइड, टू एयरबैग्स। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एसी वेंट्स की, तो एक तरफ हमारे को इस तरीके से सर्कुलर शेप में दिए हुए हैं, कुछ कुछ ये जो हैं वो क्रेटा के जैसे हमारे को लगते हैं। बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट जो है इनका वो पहले जैसा ही है। टच जो है वो रिस्पॉन्सिव है बट हल्का सा लैगी फील होता है, बट अगेन इन दिस सेगमेंट इट फील्स क्वाइट प्रीमियम कि जो म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है वो अच्छा। इसमें आपका एवरेज डिस्प्ले हो रहा है, बाकी आपका ये टाइम हो गया, डे डेट हो गए और ऐसी काफ़ी आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल सकती है। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इसमें हमारे को एक चीज़ जो देखने को मिलती है बीच में जो है वो हमारा एनालॉग स्पीडोमीटर है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास डिजिटल जो है वो इसका RPM मीटर अलॉन्ग विथ माइलेज एंड नंबर ऑफ किलोमीटर्स कवर्ड, ये सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है पहले जैसी वैगन आर की जैसे। AC यूनिट की अगर बात करी जाए तो AC इज प्रिटी पावरफुल, ये आपको जो कार की कूलिंग है वो बहुत अच्छी है, बट जो चीज़ डिसअपॉइंटिंग है वो ये है, ये वैगन आर का लेटेस्ट फेसलिफ्ट आया है 2022 एंड जो AC के ये जो नॉब्स है, जो बटन्स हैं, इनको अभी भी चेंज नहीं करा गया, ये बिल्कुल पहले के जैसे ही हैं। इनफैक्ट अगर लाइट की भी बात करी जाए तो सेम जैसे पहले वाली लाइट थी हमारी कैबिन लैम्प्स, वही दिए हुए हैं येलो लाइट में। इन चीज़ों को स्पेशली टॉप मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते तो द कस्टमर्स वुड हैव रियली लव्ड इट, अप्रिशिएटेड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट ओवर हियर। इसके अलावा USB और ऑक्स का भी हमारे पास पूरा सेटअप है यहाँ पर, दिस इज़ फॉर द ऑक्स एंड दिस इज़ फॉर द USB। थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस है, यू कैन कीप योर मोबाइल फ़ोन और सम कॉइन्स और योर पर्स। बाकी ये हमारा जो आता है ये हमारा है 5-speed मैनुअल गियर शिफ्ट के साथ। वैगन आर के वेरियंट्स में आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर या कप होल्डर आप कह सकते हैं, थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस है। देन देर इज नो ड्राइवर आर्म रेस्ट ओवर हियर। द सीट्स, द फ्रंट सीट्स आर वेरी कुशनी एंड कंफर्टेबल। फ्रंट सीट्स में अंडर थाई सपोर्ट का कोई भी इशू नहीं आएगा आपको, आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लॉन्ग रूट पर भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि इसमें जो ड्राइवर साइड आपका सनशेड है, इसमें आपका मिरर दिया हुआ है एंड जो ड्राइवर साइड है यहाँ पर आपका टिकट होल्डर भी इन्होंने दे रखा है। और IRVM की अगर बात करें तो ये ऑटो डिमिंग तो नहीं है, ये मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM इन्होंने दे रखा है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर नाइट टाइम
ड्राइविंग। वैगनार जो है वो आपके दो इंजन्स में आपको मिलती है। एक इसमें आता है आपका K10B इंजन जो कि 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। दूसरा इंजन ऑप्शन जो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा ये है आपका K12 वेरिएंट जो कि आपका 1.2 आपको पावर देगा, ये आपको देगा 81 bhp की पावर। और जो पहले वाले वेरिएंट जो 1 लीटर पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको देता है समवेयर अराउंड 66 bhp ऑफ पावर। इंजन को एक बार देख लेते हैं, पूरा सेटअप पहले के जैसा ही है। इसमें अभी भी कोई भी अंडर इंजन गार्ड नहीं मिलता है आपको, तो डस्ट या फिर वो सारी जो भी इश्यूज हो सकती है ड्राइविंग के टाइम पर वो अभी भी वैसी की वैसी रहती है। इंसुलेशन भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। अगर आप पीछे की तरफ देखें, नीचे की तरफ देखें, या अगर आप बोनेट की बात करें, किसी भी प्रकार का इंजन में इंसुलेशन आपको प्रोवाइड नहीं करा गया। बट एट द सेम टाइम एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, इसका इंजन जो है इसको अभी हमने ऑन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी इंजन की जो साउंड है वाइब्रेशंस हैं। बट उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं कि वाइब्रेशंस आपको केबिन में फील होंगे या फिर इसकी साउंड बहुत ज्यादा लाउड है। काफी हद तक बहुत ही ज्यादा साइलेंट इंजन हमारे को देखने को मिलता है। माइलेज की बात करी जाए तो पेट्रोल में आपको जो माइलेज देखने को मिलता है वो होता है इट्स समवेयर अराउंड 24 किलोमीटर पर लीटर। एंड यही आपको अगर आप CNG वेरिएंट लेंगे तो कंपनी क्लेम करती है 34 किलोमीटर पर kg, विच इज ऑसम। अब एक बार इसके बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, बोनट इट फील्स क्वाइट लाइट, बोनट काफी लाइट है। लेट अस सी द साउंड, थर्ड साउंड इट साउंड्स हॉलो बट एट द सेम टाइम यू वोंट फील कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है जिस तरीके से बोला जाता है। इन गाड़ियों की अगर बात करी जाए तो उसमें क्रम्पल जोन भी हमारे को देखने को मिलता है, जिस तरीके से कि अगर इम्पैक्ट होता है इवन इफ द शीट इज फोल्डिंग इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ बोथ द पर्सन सिटिंग इन साइड द कार एंड दोज हु आर आउट। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव लाइक्ड द वीडियो। इफ यू रियली लाइक्ड इट देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब इट।